रावल खान, सूरज खान, मेरा यार, बड़े जाओ तुसी, रावल खान, सूरज खान, मेरा यार, है वे तेरी दोस्ती कि तू अपने जिगरी यार नू लैने रिपोर्ट तक नहीं आया? ओए तेरे बारो आंदी खुशी तो बहुत खुशी तेरे घर जा गई है। हैं? खुशी? पर मनु ते तेरे इस खास मुलाजम हाशू ने रस्ते च कोई गल नहीं दसी। एनू ते मैं आप मना कीता सी चलिया। सुन, पहले तू एक पुत्र दा पियो से, ते हुण रब ने तेनू दूजा पुत्र ते मैनू दूजा पांजा दे दिता ही। रावल खान पता की? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। ओहो मेरा बेटा जुबैदा, तू सानू नवे पुत्र का तोहफा दिता, असी तेरे शुक्र गुजार हाँ। खैर नल, पुत्र दो चार साल तक हो जाता तो फिर तो शरीफ ले आते, एडी जल्दी क्यों आर दी वकालत जरूर करनी है भाईजान। तुसी सत्तां महीनों च इस भैन की खबर लैन आए हो? ऐ मैं की सुन रहा रावल? मैं अपनी गैरत दे असूल दे हत्थों मजबूर हाँ सूरज खान, दोस्त की गैर मौजूदगी जो दी बीवी का चेहरा तिकी उदे घर दी दलील ते आके दोस्त नूं अन्ना हो जाना चाहिदा है। ऐसे गल तो मैं अपने खावां ते बहुत फखर करनी है। अच्छा बेगम आ चलिए। ओ भी मुंह मिठा कीते बगैर भाभी जुबान नूं जेड़ी मिठास इस घर दी खुशी वेख के मिली है ओदा जायका शायद तू भी मिठा है। हाँ सूरज, कल ऐसी खुशी च मेरी बीवी ने ताड़ी दावत की थी, भाभी तो शायद ना आ सके पर मैं तेनू लैन जरूर आवांगा। आओ बेगम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम भाईजान। आशू, आशू, होश कर आशू, बोल आशू, तेरा हाल किरे किता है? मालिक, मेरी बीवी ते मेरे पछे किते ने? जान वाले अंदा पिछा ना करना मालिक, नहीं ते वो खूनी, तो आड़े दो अंदा भी खून कर देंगे, जेड़े मेरी मालकन, ते तो आड़े मासूम पुत्र नू चुक के ले गए ने। मेरी बीवी ते मेरे पुत्र नू चुक के ले गए ने। पर आशु वो कौन सन? हेलो, अमन, सकून, प्यार, लेकिन जमाना ही कुछ जैसा आ गया है कि परेशानी किसे ना किसे कारिच जरूर आ जाती है। मैं पूछ रहा तू चाहना की है? एक मासूम बच्चा ते उदी मां दी चीखो पुकार मेरा दिल हिला रही है। उनु एथो वापस ले जाओ, उनु वापस ले जाओ, पांच लाख दे के उनु वापस ले जाओ। पांच लाख? पांच लाख? पांच लाख? मैं पूछ रहा तू कौन है? रकम लेके कपड़ा वाले बाग पे आ जा, पर एक गल याद रखना, पुलिस नु इतला करना छी 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 बहुत बुरी गल है। देखो ना, इना मामूली मामूली गला ते कत्ल हो जांदे ने। ते हुन उन्हां नु सूरज खां ही वापस लेके आवेगा। Thank you.
रकम पूरी है? किन सकने पूरी ना हो तो फिर आ जाएंगे। मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। तू जानना है तेनू गोली मारन वाले कौन सन? हाँ डिप्टी साहब, एना शैताना ने मेरे जिगरी यार रावल दे बीवी दे बच्चे नू अगवा कर लिया सी। ना ही इन्हें उहदा बीवी दे बच्चा वापस किया, नाले मेरा 5 लाख रुपया लैके चले गए। ओ लगता है इस मकतूल नू भी उन्होंने गोली का निशाना बनाया। हाँ डिप्टी साहब, यह मकतूल भी उन्होंने ग्रोह का सरगना सी। लेकिन मेरा ख्याल है सर, इस मकतूल में गोली का निशाना इस कातल ने बनाया। शट अप करमदार, तू यह साबित करने की कोशिश न कर कि कानून वाकई अन्ना होता है। तुसी ठीक कह रहे हो डिप्टी साहब, कतल मैं नहीं किया। आई नो तुसी भी ठीक कह रहे हो, पर एक कतल का केस है ते मैं तेनू कतल दे इस केस इच गिरफ्तार करन ते मजबूर हाँ। पर तू फिक्र ना कर, अदालत में तेरी बेगुनाही दी गवाही मैं देंगा। करमदार। यस सर। तुसी अपना फर्ज पूरा करो। मौका है वारदात के गवाह डीएसपी को पेश किया जाए। अदालत ने डीएसपी को पेश होने का हुक्म दिया था। जनाबे वाला, मुल्जम झूठ बोल रहा है। मौका है वारदात पर मैं और मेरे अमले के अलावा कोई डीएसपी साहब मौजूद नहीं थे। कटहरे में खड़े हुए इस मुलजम ने मेरी आंखों के सामने एक बेगुनाह शख्स का खून कर दिया और मौका वारदात से फरार होने की कोशिश की सर। लेकिन मैंने और मेरे अमले ने अपनी जान पर खेलकर इस कातिल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया सर। नहीं चल साहब, ये झूठ है झूठ। मेरा तो दिल करते अदालत इस कटहरे कानून की वर्दी पाके सच्चाई नु नीलाम करने वाले इंस्पेक्टर का सिर ला दिया, सिर ला दिया। पॉइंट नोट किया जाए मिलाट, ये अपनी जबान से कानून के एक फर्श शनास मुहाफिज के कत्ल करने का ऐलान करके अपने पिछले कत्ल का भी एतराफ कर रहा है। वकील ने सरकार की जिरह सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस कत्ल के केस में पुलिस इंस्पेक्टर के अलावा कोई और ऐनी गवाह नहीं है। लेकिन फिर भी जुर्म साबित होता है, लिहाजा अदालत जेरे दफा 302 ताजिरात पाकिस्तान मुजरम सूरज खान को 20 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है। काश सूरज खान, मैं तेरी सजा का फैसला बदल सकता। तू अपनी जिंदगी की कुर्बानी कर ले चुकी है। जी करता मैं उस बेईमान इंस्पेक्टर की थोल ला दियो। नहीं नहीं रावल खान, एक तू ही तो मेरे बीवी बच्चों का आखिरी सहारा रह गया। मेरी दोस्ती दी किल्त जा ही रावल, तू इज्जतदार आदमी है, ना कभी जेल च तू मिलन ले आई ते ना ही मेरे बीवी बच्चों नू लेके आई। ताके जमाने दिया नजरां च होने वाले एक कातिल दा चेहरा ना देख सकन, ना देख सकन। क्यों नहीं सूरज खान, क्यों नहीं? याद करो दिन सूरज खान, जदों तेरी गवाही मेरे कातिल प्राणू। जज साहब, मैं जो कुछ कहूंगा खुदा नू हाजिर नाजर जान के सच कहूंगा। सामने कटहरे च खलोता है मुजरम हशमत खान, मेरे जिगरी दोस्त रावल खान का सक्का भरा है। पर इस हकीकत तो कोई इनकार नहीं कर सकता, इन्हें वाकई एक लड़की की इज्जत लुटी और उस तो बाद उन्हें कत्ल कर दिता। अदालत हालात और वाकयात की रोशनी और मकतूला रजिया बीबी का नजरी बयान,
जो उसने मौके के सबसे अहम गवाह सूरज खान को दिया। उसकी गवाही के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरम हशमत खान एक वैशी और कातिल इंसान था। लिहाजा अदालत मुजरम हशमत खान को जेर दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। तेरा गुलाम तेरे हर हुक्म दी तमील करेगा, तमील करेगा। ऐ की कह रहे हैं शर्फू बाबा, मेरे मासूम पुत्र दा कोई सुराख नहीं मिलिया। मालकन रानी, मैं ते शक पैंदा है कि जिस डाकू दा कत्ल कानून ने साडे मालिक दे सिर पाया है, किधरे वही ताडे पुत्र नु चुक के ना ला गए। भाभी, भाई जान, एक बुरी खबर लेके आया वा। अन्ने ते बैरे इंसाफ दे तेरे दोस्त ते तेरे शौहर नु 20 साल दी सजा सुना दीती है। 20 साल दी सजा? 20 साल दी सजा ते मुक के जानी सी बीबी, पर तेरे खामन सूरज खान ने अदालत दा फैसला सुनन तो बाद एक गड्डी विच बैठ के फरार होने की कोशिश की थी, ते पुलिस ते ताकत तो बचते बचते गड्डी समेत गहरी खड्ड विच डिग के मर गया। ते गड्डी दे नाल ओदी लाश भी सड़ के सवा हो गई। सर, ताड़े हुकम दी तमील करके मैं रिपोर्ट अपने हकाने लिख दी है। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर जीवा। किदा फोन सी? रावल खान साहब दा टेलीफोन सी। सूरज खान दे बच्चे दे बारे पूछ रहे सन, जेड़ा दरिया विच डुब के मर गया, ते ओदी लाश दा हुण तक कोई सुराग नहीं मिलिया। वेल डन इंस्पेक्टर, वेल डन। तेरे जिया कानूनदान साडा यार होवे ते दुश्मन दा नामो निशान किवें मिल सकदा है? एले साडे कारोबार दी पहली किस्त दा नजराना। शुक्रिया। 1,00,000 रुपया। एक बारी फिर शुक्रिया। हाँ, फैंटास्टिक। असल कमाई ते एवे कानून दी हक हलाल दी कमाई विचों ते बीवी नू हीरियां दे एक हार भी नहीं लेके दे सकते। आ गया मेरा वफादार हाशू, मेरे दुश्मन दे पुत्र नू दफनाया है या मार के सुट आया है? जिंदा दरगोर। चंगा कीता ही। हुन छेती नाल मेरा इनाम मिन दे दियो। मासूम बच्चे नू मार के मेरा दिल मुर्दा हो गया है। बेवकूफ, तो एक नहीं 3 इनामा दा हकदार है। पहला इनाम, तू अपने आप नू लहू लुहान करके सूरज खान नू साबित करा देता कि कोई दुश्मन मेरी बीवी ते बच्चे नू चुक के ले गए ने। दूजा इनाम, तू साड़ी दोस्ती एक रिश्वत खोर इंस्पेक्टर नाल करवा के उत्ते हथों एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दुआया। तीजा इनाम, जेड़ा तू सूरज दे पुत्र नू जमीन दे टेरे दफन करके मेरी जिंदगी दे इंतकाम दी गड्डी नू और तेज रो बना देता जिते रस्ते च कोई जंक्शन नहीं आवेगा। हाशू मेरी जान, तेनू इन्ने ढेर सारे नाम दे के ते मैं गरीब हो जावांगा।
किस्मत जानता नहीं सी कि रावल खान ने कभी अपनी हयाती च मौके का गा नहीं सी छड़िया। मैं तुहानू इत्थे इस वास्ते बैठ के आया मालकन रानी के वड्डे पुत्तर दा अगवा ते सुरज खान की मौत के बाद इस मासूम ते तुहाडी जिंदगी च अग दा कोई नवा तूफान ना आ जाए। निकल जाती है जिंदगी कोई तो रावल खान जुल्म की गवाही देने वाला जिंदा रहे। निकल जा निकल जा। ले सूरज खान, आज मेरे इंतकाम ने तेरे हुक्म की तमील कर दी है और तेरे खानदान के किसी पद ने तेरी मुलाकात ने जेल आके तेनु दुख नहीं देना। इंतकाम है ओदी उस गवाही दा जिन्हें मेरी जिंदगी भर की दोस्ती का ख्याल ना रखे मेरे जवान भरा तख्ता तार तक पहुंचा दिता सी। काश मैं तुहाडे अंदर दा इंतकाम पहचान जांदी। पहचान ही गई है यानी मौके की गवाह बन गई है और तेरा जिंदा रहना जरूरी नहीं। ना पल जान ना मेरी कली कली पहन नू माफ कर दे। ऐसा मतलब है मेरे खावा ते जुर्म दी गड्डी दा एक पहिया तू ही है उस कबर कोलो डर जिदे च बड़ा हनेरा हुंदा है। केड़ी कबर? ओए कबर च ना तू गई है पैणा ते ना मैं। सुनी सुनाईया गल्ला ते यकीन नहीं करीदा। भाईजान इस बिचारी नू माफ कर दे। तेनू ते पता है ना एदे दिल च सुराख है ते इस दुनिया च एदा कोई इलाज नहीं। ते फेर एनू समझा दे जे साढ़े दोवां दे जुर्मां तो वाकिफ हो ही गई है ते अपनी जुबान बंद कर दे नहीं ते ओ दिल छेती बंद कर देंगा जिन्हें कुछ दिन बाद बंद हो रहे हैं। दस ए बच्ची कौन है? कानून दे एक निक्के जे माफल दी थी है जिन्हें मेरा माल फड़ाया सी ते मैं उदी बां मौत दे हाथ फड़ा दी थी है। जावा उस तकदीर तो जिन्हें सोने दी चिड़ी नू आप ही मेरे जाल सुट दिता है। क्यों आ गया? जिस मुठिया की इज्जत हाथ पड़ ली बड़े प्यार दरवाजा बंद किया सही अगे बद के उन्हू जफी ते पा। हक ते तेरा ऐसी कि तू मैनु मुंह विखाई देंदा पर हूं मेरी गैरत तेरी बेगैरती नू मुंह विखाई देगी। Hey!
तेरी सजा का फैसला कानून करेगा। अकेला गए कानून तेरे देख लिया, चलो चल सरमाएदार प्यू का कानून भी देखा। रावल खादा नाम है। हाँ, इस रईस दे सरदार नूं रावल खान कहंदे ने। मेरे पुत्तर नूं लहू लुहान करके मेरे पैरां छुट्टण दी तकलीफ। सुन रावल खान, तू जिस सपोलिए नूं जन्म दित्ता अज दा डंग एक मासूम दी इज्जत नूं लाश बनाण लगा सी, तू इन्हों अपनी बहादरी के मोडिया से चुक के थाने ले गया। थाने ना जाता तो पता किवें लगता तेरी दौलत कमाल का, कैरी कानून मोम दियो नक समझ दिए जिनू जिद चौ मोड़ दियो। मेरे जहन की तह तक पहुंचते पहुंचते अच्छे भले समझदारा दे वाल चिट्टे लक कुप ते गोडे कबर पहुंच जाते ने। तू किसी अच्छे गुरु का चेला है जेड़ा एक उड़ारी मेरे तक पहुंच गए। हाली तो मैं तेरी जिंदगी की सारी किताब पढ़नी है रावल खान। ये तेरे पिंडे नु मरन मिट्टी चढ़ी गई है, डांगे वत के मेरे पुत्र नु हाथ ला के बखा। इस लई के 700-200 गोलियां तो कट मैं तेरी खिदमत नहीं करूंगा। बारूद सारिया गोलियां भी सीने जाके बर्फ का बलाक बन जाता ने। अपनी अपनिया गोलियां बंदूक दिया तौलें बंद रहते हो रावल खान, बहादरा का कदरदान है। बहादुर ते समझ ले आई पर बेवकूफ ना समझी रावल खान, इसलिए के तू जुर्म ते गुनाह दी जिस गड्डी दा ड्राइवर है आखर उदा काटा बदल के तेनु मैं मौत दी सुरंग वल लेके जाना है। डैडी तुसी इस कार च इहदी लाश क्यों नहीं जान दित्ती? आउट बेटे, जानो मारन वाले पारसन एक भी मौके का गवाह बन सकता सी, तेना खाने कई वादा माफ गवावानू दौलत ते लालच शायन शावानू फाय लवान दे वेख्या है। ए वक्त
तो पहले मर जाएगा बेटे, पहले मर जाएगा। बसी तो मजबूरी देख ले यू, और दस कौन है तू? उस ब्रादी पैन जिन्हों तू जख्मी करके मेरे पियू दे पैरे सुटाया से। ते फिर सुन खैरत मन पियो दिए तीये, तेरा बेखैरत परा ऐसे था खिलो के अपनी ताकत तरक मजबूर कुड़ी दी इज्जत लुट लगा सी। मैं चाहवा ते तेनु जिंदा लाश बना के तो पेश सकना, पर बहराम एक मर्द है, बेगैरत नहीं। सुन, तेरी गैरतमंदी ने मेनू यह यकीन दुआ दिता है के तू रज के जवान ही नहीं गैरतमंद भी है। तेरी आँखों में मैं शर्म हया दी लाली नजर आती है। इस दुनिया सब कुछ बदलिया जा सकता है पर वल्दियत नहीं। आ बबर शेर तू ठीक कहना है, वो 9-5 का काम करता है। मैं कई बार उन्हें बॉर्डर वालों के कुत्ते पेंदे वेखे ने। खबरदार मेरे बाप की शान च कोई गुस्ताखी ना करे। माफ करी मुटियारे। तेरे नाल ए वादा करके जानिया, जिस दिन मेनू ए पता लग गया कि मेरा बाप कोई नजायज कारोबार करता है, उस दिन मैं अपनी जिंदगी तेरी अमानत समझ के तेरे सिर तो वार देगी। मतलब है कि जिन में ना जान दे भी अपने वीर क्या? हाँ, उन्हों अपना सक्का वीर ही समझती है, पर ओदे कोलो कदी ओदी जिंदगी दे बारे च ना पूछी। एक गल ते दसो सताश, पैरा मुख ते पता ते नहीं कि ओदे कोलो हर रिश्ता खोन वाला रावल खान है। ओ ते पुछ के थक गया कि ओदा माजी की है, पर मैं ओदे सवाल दा जवाब उस दिन दियांगा जिस दिन ओदी मां मिल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे सीने चो निकलन वाला कोई राज बहराम दा इंतकाम बन के रावल खान दा सिर ला दवे ते बहराम फाये लग जाए। कौन? जीवा? किथे वे तेरा बाप ते मेरा साला जीवा? हेलो अंकल यार, तैनू मुबारक होवे, फिर साढ़े एक मुजरम यार ने जेल च सूरज खान ते खंजर पा के ओदी सजा दे दिन होर वधा दिते ने। एक होर खुशखबरी सुन, तेरा माल बाय हिफाजत बॉर्डर की हद तो बाहर पहुंच गया। किवें ना पहुंचता मेरा माल? मेरे हत्था दी लंबाई इस मुल्क ते बॉर्डर तो ज्यादा लंबी है। आखरी मुटियारे, जिस दौलतमंद की दौलत का पार इलाके का थानेदार जानता होवे ओदे कारोबार ते शक किया जा सकता है। लगता है अपने बाप के कारोबार से
शक पै गया। क्यों गए?
मारदा क्यों नहीं कोड़े? मालिक हुन मेरे च हौसला ने। ओए मेरे चपने कीते होए जुर्मा दी सजा सहन दा हौसला है। तू मेरी चमड़ी मेरे पिंडे तो वक्री कर दे। मालिक मारा कोड़े, नहीं ते मेरे जमीर दी अग मैनू साड़ के सवा कर देगी। मारा मालिक तू ते फरिश्ता है। ओए मैं ते इंसान भी नहीं, तू फरिश्ता कहन दिया है। खिच के कोड़ा मारो है। अच्छा है। मैंनू पाल के जवान किरण लिया अपने दिल नू सीने चो कट के मैंने ते दस दे ओ किरण दुखे जिन्हू हर चौथे रोज तू अपने पिंडे ते सजाना है। अच्छा मैंनू सच सच दस दे जिस रावल खान दी शहर रखदा लोग पीड़ लई तू मैंनू मौत बना के जवान कीता है किधर जिंदगी दे हिस्से च तू दा भाईवाल ते नहीं रहा? हां कहांगा ते तेनू यकीन आ जाएगा, ना क्या ते तेनू मेरे ते शक पै जाएगा। बहराम जिंदगी च कुछ नुकसान ऐसे भी होंदे ने पुत्र जेड़े कदी पूरे नहीं होंदे। तू रावल खान नू मैनू ओदा सिर क्यों नहीं ला लैन देंदा? तेरे सारे नुकसान पूरे हो जाणगे। किदा की नुकसान होया है, की गवाचा है, वो सिर्फ मैं जानना पुत्र। पुत्र गैरतमंद बन के जिस मुटियार दी तू इज्जत बचाई सी वो मेरी थी। ये क्यों नहीं कहता चाचा कि मैं अपनी भैन दी इज्जत बचाई सी? उस थाने दे विच तेरी नवाब अब सबज बाग ना मुलाकात हुई सी ना। ओ चाचा तू ते सौ चेलियां दा कल्ले ही गुरु है। एक गल ते दस, मैं तेनू इत्थे रावल खान दे सिर दा सब बना के भेजिया, तू इत्थे आके उच्ची लंबी सरोवर की मुटियार दे पिछे पै गए। ओदा की चक्कर है चाचा जी, ओ ते मेरे शेरे बबर दे अगे पिछे एवें ही ठुमके ला रही है। नाले रावल खान दी धी है चाचा। रावल खान दी धी? एक खून करना है मेरे इलाके दे जवान बहराम दा। राम 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 राम। बहराम? हाँ हाँ बहराम, जिन्ने तेरे पांजे ते मेरे पुत्र दी जिंदगी। फिक्र ना करो वड़े भाई जान, इन्ना मामूली मामूली गल्लां ते कतल होंदे ने। शिवा समझ गया डैड, ते फिर जाके मैं दुश्मन नू अक्ता उच्चा लंबू विखावांगा कि आसमान तो कोई तारा टुटता भी वेखे ते अक अक कहंदा नस जावे।
ओए मरु तो पहले दस दे मेरे ते हमला क्यों नहीं किया सी। खबरदार एथो लत्थन दी कोशिश ना करी बहरा। मकदूल दी लाश तेरे पैर चे ते कातल होते साले खलोते अपनी अखा तो चरम दी चरबी लाख के वेखाए तेरे दे कातल भी नजर आ जान के जब भी नजर आ जान के चीरा ने मेरे ते हमला किया है तेन मार के सुट गए ने। मैं सिर्फ इना जानना वा के तेरे एथो कतल होन वाले इस मकतूल दा चशमदीद गवाह मैं। आज तक कोई अन्ना भी चशमदीद गवाह है क्यों ना मैं तेरी अखी कर दिया जिन्हां दी झूठी कोई ने खौरे किन्ने बेगुनाहों नूं भाई लवा दिता होवेगा। बकवास ना कर होश कर ओए रात दी सवेर हो गई है पर अजे तक कोई न बाप आप सबज बाग तेरा झूठा जमानो नामा लेके नहीं आया। ओए रावल खान दे जुर्मा दिया पैरे तारा समझ गया वा तेनू उन्हां नोटां दी खारे जिन्हां ने तेनू ईद मुबारकबाद दित्ती सी ते फिर ए वी समझ लै तेरा मैं वी उधार सूद समेत वापस करना है। इंस्पेक्टर सर मैं तुम्हें पहचाने नहीं। मैं इस इलाके का नवा DSP पलक शेरा। सर पर इहदा सबूत? इह सबूत बड़े मंगदा साहब है दा कानूनी फर्ज है। दिस इज माई कार्ड। थैंक यू सर। ऑन दस एदा जुर्म की है? सर एक कातल है एदे कतल दा चशमदीद गवाह मैं। मौके दा गवाह ते मैं भी हां। अखां अगे हनेरा ना आवे ते ओदा पहला सबूत। दूसरा सबूत। तीसरा सबूत। सर शाहजहां हवलदार इस जवान नु खोल दे ते उस रिश्वतखोर इंस्पेक्टर नु हवालात बंद कर दे जेड़ा एक शरीफ शहरी नु भी कानून हाथ च लैण ते मजबूर कर देंदा है। तुसी बिल्कुल ठीक है साहब बहादुर। मेरा दिल कहंदा है कि एक ना एक दिन इन्हें मेरे शिकंजे जरूर आना है ते मैं इनू कबर दा हनेरा जरूर विखावांगा। तू बिल्कुल ठीक कह लिया जवाना। मैं ते पहले ही पता सी इहदी तेरे इथों लिखी होई है। ऐ ते इहनू हुण मैं चिट्टे दिन पुछांगा दस किवें गुजारी उचन रात वे। चल जवाना चलिए। ओए अतराना ओए रिश्वत खोर ते बेईमान ताने धारा मेरे गरीब दा भी आके खांदा रिया वे। हां जी हां मैं हवालदार महाराज दे माजूर ते मुंह बोल रहा। तू कौन बोल रहा है? DSP फलकशेर। DSP फलकशेर
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ ਰਾਵਲ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਲੇ ਜੀਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਲ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਠੁਮਕੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਉਰਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ
ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੌਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਦਾ ਹੈ अंकल यार तू आज बड़ा चुप चुप है की गल है हाँ डैडी तुम्हारी अकल का की फैसला है हाँ यार तुसी भी अपने ख्याल का इजहार करो ना कि बस असी बगते रहेंगे तुसी अपनी अमरदाता की गड्डी चलाते रहो मैं वेख लांगा नवा डीएसपी तुहाडी राज किन्ना कु वड्डा पत्थर बन के आता है सलाम साहब बहादुर वालेकुम अस्सलाम तशरीफ रखो तुहाडी तारीफ ना रोशन है पर इन्हां अखां नाल वेख नहीं सकता मैं समझिया नहीं खबर लेके आया डिप्टी बेटे अन्ना होने के बावजूद मेरे ओहदे की पहचान बेटे तेरे कदमों की दमक एना कन्ना नू तेरे डिप्टी होने की गवाही दे रही थी ओ तुसी किसे खबर की गल कर रहे सो हाँ एक इंटरनेशनल समगलर का गैर कानूनी माल कार नंबर LHR 1885 पुरानी नहर के पुल की हदूद अल जा रहा है इतला गलत हुई ते अखा तो अन्ना ते है ही है साहब जी तुसी मैनु बैरा कर देना तेरी कमीशन तुसी जमा करते जाओ मैं एक वारी वसूल कर लांगा हां याद रखना कार नंबर LHR 1885 इस गड्डी का मालिक कौन है साहब जी थैली चो हीरे मंडी बरामद हुई मेरा मतलब है हीरे बरामद होए ने दस ओए ए माल किदा है साहब जी खुफिया खाने च इन्हां ने पता नहीं किन्ना किन्ना कीमती सामान रखे आया वे मेरा ख्याल है इन्हां कोल 50-60 लाख रुपया नकद भी है साहब जी इजाजत होवे तो 2-4 हीरे मैं भी खीसे पा लवां शट अप आजू मेनू माल समेत थाने ले चल मैं एक चक्कर ला के आना चल लो इमरान खान दे माल छिए चल दीवानी मिस चांदनी ऐ सरकत दी वजह दिल दी बीमारी जड़ी तेरी बहादुरी दे चर्चे अखबारा च पढ़ पढ़ के लग गई है तू चाहने की है एक ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ हाँ
मिल जाएगा। इस मगलरां दे किसे ग्रोह दी भेजी हुई लत्ती है, जे तू अपने मकसद च कामयाब होना चाहना है ते इनू अपनी मोहब्बत दा यकीन दुआ दे। बड़े जालिम है तू। ईमान नाल कसम।
थैला फार। महाराज दी ना ऐ तैनू 3000 हीरे दे देंदा, तू ब्याह भी कर लेंदा ते गुलबर्ग दी कोठी भी ले लेंदा, ते जेड़े रोज सुई गैस ते बिजली दे बिल परेशान करदे ने ओ परेशानी भी खत्म हो जांदी। बोलिया भाई बोलिया, हूं तो ही ने मैनू भी मिलन गए। मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। राजदीन, राजदीन, राजदीन की होया साहब जी? हैं? दरवाजा खोलो। एदा खाना कौन लेके आया सी? साहब जी रोंदी पिटदी एदी मां लेके आई सी। तू ओनू पछाणना है? साहब जी तुसी ओनू फड़ लोगे तो मैं ओनू पछाण लांगा। एदा मतलब है मुजरिमा ने अपने जुर्म का सबूत इसलिए मरवा दिता कि कानून अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। मेरे बहादुरों, तुहाडे मुंह मोतियां नाल भरन तो पहला मैं अपने उस गुरु नूं माला माल कर दिया जिन्हें कानून की ताकत नूं लातों वंगो घुमा के डोरी खींच लई है। माय गुरु वाह। अखा तू अन्ना यानी ब्लाइंड, ना रोशन यानी सानी शाइनिंग। पर कानून दिया नजरा बिचा पाके सानू दौलत दे चानन नाल मालो माल कर दिता। हुण तू हुकुम कर, तेनू किन्ना कु माल चाहिदा है? जमा करता जा, इक्को वारी वसूल करांगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तू भी ते एदे वंगो साडे जुर्मा दी छत दा सब तो मजबूत सतून है। हाय बॉस। ओ आई माय मिस चांदनी, वेलकम वेलकम। डैड हुसन दी एस तलवार ने जदो भी किसे ते वार कीता है कदी खाली नहीं गया। खाली जा भी किवें सकता है? वेरी गुड। पर उस डिप्टी दा की बनिया? मेरे प्यार दी कमान विचों निकलिया होया पहले ही तीर ओदे सीने विच जा वजिया है। पर ओ दिन दूर नहीं जदों ओ इस लावारिस इंस्पेक्टर वांगू तेरे सामने खलोता होवेगा। वाह। वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन छोटे। एदा मतलब है तेनू साडी कामयाबी दी खबर मिल गई पाए यार। कामयाबी भी है ते नाकामी भी। मैं कुछ समझिया नहीं। 10 ट्रक कढ़वा के डिप्टी नु जेड़ी अपनी एक कार फड़वाई है ओदा दूजा कदम बड़ा खतरनाक होवेगा। ए वकूफ इंस्पेक्टर, असी उनु असले दे ताबूत विच भी बंद कर सकते हैं। पर पहले उनु दौलत दे ताबूत विच बंद कर किते वेखां। कब्र चो बाहर आ गया है ते ओ भी एक डिप्टी दी मां दे रूप च। पहला
शुक्र है रावल खान, तेरे जुल्म दी याददाश्त ने मेरा चेहरा पहचान लिया। भैणा तेरे लबन लई ते मैं जिन्हों अग दे ढेर विच साड़ के सुआह कर चुके हैं, ओनू लबन दी की लोड़ सी? कानून दे मुहाफिज उस वेले विच जुंदे सन, क्यों नहीं खड़काया अदालत दा दरवाजा? रावल खान उस वेले तेरा जुल्म अरूज ते सी, ते मेरी गोद विच एक नन्नी जी जान सी। रावल खान मैं तेरे हर जुल्म नु माफ कर देंगी, तू मैनु एक बारी मेरे दूजे पुत्र दा पता दस दे। पुत्र? केड़ा पुत्र? जेड़ा बचपन दरिया डुब के मर गया? नहीं नहीं, ऐ नहीं हो सकता। मेरी मन तो गवाही देती है कि मेरा पुत्र जिंदा है, मेरा पुत्र जिंदा है। रावल खान जे तू मैनू मेरे पुत्र का पता ना दसिया, ते याद रखी मेरा डिप्टी पुत्र तैनू डिप्टी दी मां होके ताने च इना वल साफ क्यों नहीं कहती कि रगां जवानी दा खून सी, खाविन दी मौत दा सुन के किसे अशला ना लस गई से? रब दा शुक्र करो ए तेरे पेट दे अंदर नहीं गई, नहीं ते पेट चीर के कढ़नी पैनी सी। मेरी इज्जत ते मर्तबे नु वेख के गल कर डिप्टी, शायद तू मैनु चंगी तरह नहीं जानता। मैनु रावल खान कहंदे ने। ओ रावल खान, मेरी गुस्ताखी माफ कर देना रावल खान जी। ए ते पता लग ही गया है कि मेरा भरा दरियाए डूब के मर गया सी, पर एदा सबूत पूरे इलाके दा डिप्टी है, थाने जाके 18 बरे पहले दा रिकॉर्ड चेक कर ले, सबूत तेनू मिल जाएगा। एना पुराना सबूत ते वाकई ठोस होवेगा खान जी? बात यह भी ममता दे हाथों पागल हो गई। तुसी सिर्फ यह दसो कि किन्नी को दौलत लैके आयो कि डिप्टी तुहाडी गुलामी च आ जाए। फलक शेर जे जिगरा कट के सौदा सरयाम ही करन लगाए ते फिर कल्ला ही गाक, तैनू भी पंजे मुरबिया ना मालिक बना देगा, ते 5 लाख रुपए साडी दोस्ती दी पहली किस्त। 5 लाख कट ने तेरी औकात ते तेरी जलालत दा तमाशा वेखन आले तो बहुत ज्यादा ने। फलक शेर को है दो कानून दे एक मुहाफिज नु रिश्वत देन आया से, ए रकम ते मैं सरकारी खजाने जमा कराई देंगा। पर गल सुनो, जज तेरी मेरी पहली मुलाकात ना होंदी ते तेरिया लत्त आसमान वल, ते तू एथो सिर दे पार टुर के जाना सी। तू आसमान नु जमीन ते सुट के चंगा नहीं किता। रावल खान कदी ते तेरा जुर्म बेनकाब होवेगा। अक्के लक्के नसवाई ताके तेरे डिप्टी पुत्र नू ए पता लग जाए के इस दुनिया ते साडी किन्नी कु दहशत है। बुजुर्गी तो मेरे वर्गिया लखा तिया कुर्बान हो सकती ने तो।
होया तू ही आ गई है। वे अगे बढ़ के इस पैन दे पैर चुम जिन्नू वे के तन तेरे पुराने जख्म याद आवे नी। उस दिन तकदीर सानू दगा दे गई सी, अज जवाज मार अपने उस गैरतमंद भरा नू। चंगा होया वे मेरे तीनों शिकार कट्ठे ने। शिकार नहीं आए, शिकारी को लगता तेरी लाश भी एना कोदे नली लगेगी। रुक जा जवाना, तू इस मुल्क के कतलों का ठेका लेता है। ओए तू गोली चला, कानून दी दीवार इन्नी कमजोर भी नहीं कि दो बेगुनाह उदे पीछे पड़ा भी ना ले सकन। जे तू बैरम दे सामने रेती कंध बन के आएगी है तो फिर गोली जरूर चलेगी। नहीं पुत्रा नहीं, जे तू मैनू मां समझते हो पुत्र बन के मेरी मदद करन आए गए ते फिर असने कानून नु कुछ ना कमी जिन्हू बेगुनाह ते मुजरम दी पछाण ही नहीं। मां ठीक कह रही साहब, ऐ वेख एना दिया जेबा चो कुछ मुंह बोल दिया तस्वीरां डिगिया ने। गिरफ्तार कर लो उन्होंने। असी तेरे को शर्मिंदा वा, जो मावा दे सिर सदके खैरों की जिंदगी मिल जाए तो शर्मिंदा नहीं होता साहब। आ फल पिस्तौल सच के ही थी, पर वो जवान किथे गया जिन्हें इन्हों के मुजरिम होने का सबूत दिता है। शक्लों से वो भी डकैत लगता सी। और तेनों तो कुर्ती यहोजी मिली है कि तेरे सामने फरिश्ता भी कातरा बन के आ जाए ते तू उनु भी मुझे भी समझेगा। चंगा मां जी, चंगा भैणा, रब रख।
ने किया, असी तेरी मदद की, तू मौका मार के साडा चबाड़ा हिला दिता है। माफ करी, मैं तेन पछाणिया नहीं सी। जे तू कहनी है ना तो असं तेरे अगे हाथ जोड़ दें। नहीं बैराम, नहीं माफिया ते असी सारी जिंदगी तेरे को मंगद रहना। मर गए, बाय बाय। साड़ी आन शान पान इज्जत ते वकार ते दुश्मन दी हमायत दा जुर्म करके तू अपना नाम दी होने दे बावजूद साड़े दुश्मन दी फेरिस्त च लिखवा देता। कानून दी दो तारी तलवार बड़ी पैड़ी होती है डैडी, ऐ दा वार किसे दिन तुहाडी गर्दन ला के तुहाडे पैर सुट देगा। जुबान नु लगाम दे, नहीं ते तेरी जुबान खिंच के तेरे गले दा फंदा बना देगा। शायद तेनु जीवे दा पता नहीं, जेड़ा हुण तक अपने पुत्र दी गिरफ्तारी दी खबर सुन के कानून नु रेत दी कण समझ के टांग चला गया होएगा। टिप्पी, सानू किसे तहखाने च बंद कर दे, नहीं ते बड़ा ही पछतावेगा। जीवा बड़ा जालिम है, उन्हें साने तो कट के ले जा रही। Shut up! बेताज बादशाह ने तेरे असूल कानून ते दहशत दिया सारिया कंधा डा के तेरे मुजरिम हवा के बुले वांगू कट दिते ने। ऐसा मुराद में अच्छी ही खराब होना सी। कटीनी खराब हुई, तुहाडी जिंदगी दा पहिया मौत दी पट्टी ते चढ़ गया। फलक शेर कहते ने बैराम, मुजरिम पावे छलावे चुना बन जान, तेरे हाथों की पास तो बाहर नहीं जा सकते। तेनू पक्की पकाई खाता बड़ा ही शौक है डिप्टी, तेरे मुजरम वाला तक सन और मेरे मुजरम ने जिन्होंने मैनू जीव तक पहुंचाना है। वेल डन, वेल डन। मैं तुहाडे दोवां बहादुरां दी बहादुरी ते तुहानूं शाबाशी देना वा, पर कदी किसे जिन दी नसल वी इंसान दे काबू आई है? बिले बबरे, मेरे बच्चियां नूं खोल दिओ। तुसी दसो तुहाडे दोवां विच किहदी तोड़ मैं पन्ना, ओ जे पन्ना ते फेर मन्ना। सच सच दस दित्ती, ए तख्तादार कैसा लगा? ओ शैतान दी औलाद, ए तोम तरदा साथ छट भी जाए
फिर भी तू कुत्ते की मौत मरण तो नहीं बच सकता। पर दुआवा क्यों देना है बेकूफा? मैं तो लानी तो नहीं, सिर्फ छेज लंबी कर दी है। जीवा, अरे तेनू तो लंबी करन दा ना शौक है, ते मेरी कर ले। अरे ने तेरा की बिगाड़िया? तेरिया रगा विच भी कानून दे खून दी मिलावट लगदी है। किधरे तू ते ए इको ही पिउ मां दी औलाद ते नहीं? गैरतमंदा दे खून दा रंग इको जिहा हुंदा जीवा, ते हर बेगैरत एक दूए दा साला हुंदा या पणवैया। खाकसार किस काबिल? बहुत तो वड़ा है दुनिया ही, बंदे दा कोई पड़वैया नहीं होता। मेरे ख्याल हुण कोरिया नू जमीन ते पैर छड़ी देने चाहिए ने। तू प्यार दा हक अदा कर दिता है, मैं पूछ सकना वा कि तू कि इतला ते गोली वांगू आई है? ते तेरी इको गोली ने रस्से दे दो टोटे कर दिते। हाय हाय बहराम, दिल तो वड़ा ऐस दुनिया ते होर कोई मुखबर नहीं। तेरा पीछा कर दी मैं तेरे तक पहुंच गई। सच? ऐस दिल दी तड़कन को लो पूछ। Thank you.
तेरे नाल आने वाले कदमा की आवाज के दिए चांदनी डिप्टी फलक शेर दी। डिप्टी फलक शेर की गल है रोशन थाने से तू मेरे कदमा की आवाज सुन के मेरा ओहदा दस दिता सी ते अज थाने च मैं एक मुखबर के रूप च बैठा सा पर इस कार्य च एक बदनसीब बाप रहता है। बाप? हाँ फलक शेर, ए बदनसीब बाप जड़ा किन्ने ही सालों तो कले ही अपने अथरुआं दे चराग चला रहा है। मैं समझिया नहीं। ए फलक शेर के तेरी अखां जिन्हों आज तक सिर्फ एक मुखबर समझदियां रहियां ने वो भी कदी तेरे वांगू कानून का एक निक्का जिहा मुहाफिज सी। कानून का मुहाफिज? हैरान ना हो फलक शेर, ए कानून का मुहाफिज मुखबर बन के भी मुहाफिज है। ठीक 18 साल पहले मैं एक दिन एदी वड्डी भैण नू लेके आ रहा सां। सी मेरी मुहाफिज तो मुखबर बनने की कहानी। तेरा मतलब है तुम्हारी दूसरी बेटी? जीवा दे कब्जे च है, उसे दे सुराग हासिल करने लिए मैं अपनी इस धी नूं उहदे गिरोह च भेज दिता है ते आप भी उहदे गिरोह दे काबले तमाद साथी बन गया। पर वो यही जानता है कि मैं मर चुका जबकि उसकी मौत उसके सामने सा पई लेंदी है। तुसी एक बारी मैनू उन्हां मुजरमां दा ठिकाना दस दिओ, मैं तुहाडे नाल वादा करना वा कि मैं के बारूद दे ढेरी च तू मेरी जवान धी दी लाश कट के लाएगा। मेरी धी मैनू वापस मिल जांदे फलक शेर, फिर मैं जीवा ते की कानून दे सारे मुजरमां दा इज्जड़ तेरे कदमां ही सुट दियां। कानून की शरीफती पाके कमजोरा शरीफा ते मजलूमा नु कतल करांदा रहे अजाई वर्दी अपने पिंडे ते सजाए। वर्दी पाए पर मैं ते नौकरी छड़ चुकिया वा। मैं सिर्फ तेनु ए वर्दी असली पुआना चाहना वे जो तू मेरे हथों मरे ते तेरे पर के कानून दे मुहाफजा नू इबरत आ जाए। कौन ले चलाई आवन
ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਪਛ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੀ ਏ ਸੁਣਾ ਏ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਆ ਚਾਰ ਗਵਾਈਆਂ ਠੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਚਾਰ ਗਵਾਈਆਂ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਬਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹ ਕੁੰਗੀਆਂ ਤੇ ਭੋਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ਟ ਅਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਕਾਮ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਚਾਂਦਨੀ ਯੈਸ ਬੌਸ ਚਾਂਦਨੀ ਸ਼ੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀ ਅੰਕਲ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਸ ਬਾਰੂਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਿਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਸਾਥੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਰਾਵਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਹਿਰਾਮ ਬਹਿਰਾਮ ਰੇਸ਼ਮਾ ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਾਮ ਰਾਵਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇਰੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ
बहराम दे हत्तों ते तू बच गया से, पर आज तू मेरे हत्तों नहीं बचेगा, नहीं ते अपनी भैन का दुपट्टा लेके एदे सिर ते दे के एनु भैन कहवे, बेगैरता भैन कहवे। नाजी मैं कहनी आ एनु भैन का ठेठी इस बेगैरत ने खामोश इधर मरनी छोड़ डलिया कचहरी लाइए सिकंदर। डैडी मरण लगा शैतान नहीं शमदीद को आग कोई नहीं रावल खान चशमदीद गवाह मैं आप हूं रावल खान ऐस मजबूत ते ठोस सबूत अगे तू मजबूर है जिन्हों रेलवे हुकाम दी रिपोर्ट कहंदे ने जिदे ते लिखया है
कि एक नामालूम नौजवान ने ट्रेन दे अग्गे आके खुदकुशी कर ली है। लगता है डिप्टी तू आज फिर पक्की पकाई के पहुंचना सी, पर तेनू कुछ देर हो गई है। राहुल खान, मैनू तेरे पुत्र दे मरण दा बड़ा ही अफसोस है भाई। अफसोस ते मैनू भी बड़ा होया रावल खान, पुत्र ते निके जिन्ने मर जान ते मां प्यो दा कलेजा निकल जांदा, पर तेरा ते माशाल्लाह परी जवानी च मर गया। एनू मेरी नजर तो दूर कर ले डिप्टी। खैर जा डिप्टी। पहला पर्चा मेरे एस पी दा कट, जिन्हें अपने पुत्र दे हाथों एस बिचारी दा खून करवाया है। नाज़ी हाली बोल, चश्मदीद गवाह दे सामने ज्यादा उच्चा नहीं बोली दा डैडी, शायद मेरी रगें च बाप दे खून तो बस मां दे तुत्ती तासीर ज्यादा है। काश मैं अपने साले दा कहना मन के तेरी वर्गी लावारिस नू अपनी टीम बना के ना पलता। सच के ही रावल खान, मैं वाकई तेरी दी नहीं। हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पता नहीं किदा गंदा खून है तेरी रगज। बकवास ना कर वे, जीते करता है हजार नफल शुक्राने दे पड़ा, काल का रब ने लौते दीवे पाला। एनिया को देगा वंडा, एनिया को देगा वंडा के 7 दिन तक इस इलाके दे किसे कारे चुल्ला ना बने, इसलिए के रब ने मैनू तेरे भर के कोने कातिल ते समगलर दे तेल नहीं बनाया। इंस्पेक्टर। यस सर। रावल खान नु हवाला तुझ बंद कर दो। ओके सर। ते लाश नु पोस्टमार्टम लिए भिजवा दो। देखला रावल खान, रब दी बे आवाज लाठी ने तेनु जेल दे हनेरे वहा दिते ने, ते मैं अपनी हवेली च वापस चलनी हां। चल मां चलिए। नू प्या
ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਓਏ ਰਾਵਲ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਰਮ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀ। ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੁੰਗਰੂ ਛਣਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਵਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਥਰੂ। ਓਏ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੈਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੈਲਾਬ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸੂਰਜ ਖਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਪਲ ਟਪਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਟਪਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਟਪਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਓਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਵਲ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸੂਰਜ, ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੁਚਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਖਬਰ? ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਰਾਵਲ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਸੁਣ ਸੂਰਜ, ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੂਨੀ ਵੈਸ਼ੀ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਪੈਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਵੇਲੇ ਮਫਰੂਦੀਆਂ, ਓਏ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਸਿਆ? ਡਾਕਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਕੋ ਸਾਚ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਚਣੇ ਨੂੰ ਟਾ ਦਿੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਖਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੈਰਾਮ ਨਾਮੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਰਜ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਖਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਾਵਲ ਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਵਲ ਖਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ। ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪਈ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ? ਓਏ
कच्ची लस्सी वांगू वधी जा रहा है बुढ़िया। पकना है। रावल खान जेल ते ओदे पुत्र नोगले जहां टोर के तू मेरे दिल ते लगे हुए बीवी ते जवान धी दी मौत दा जख्म पर दिता बहराम पर तेरे चेहरे ते ओ कुछ नहीं होया चाचा और सूरज खान नामी एक मफरूर जेलों आया सी ते कहना सी कि रावल दे जिस पुत्र नू मैं मारिया ओ उदा पुत्र सी। सूरज खान किथे वे सूरज खान इथे छड़ के गया सा मेरा ख्याल है कि इलाके की पुलिस फड़ के ले गई है या फिर मेरे मगर चढ़िया होना है। नहीं पुत्र सूरज दे दिल दा जख्म ते ओदी जिंदगी दी कहानी मेरे कोलो वद कोई नहीं जानता। जे मौत दा फरिश्ता भी कवे कि मैं ओदी जान कट ली तो मैं नहीं मनांगा। मैनू पता है वो किथे जा सकता है। आ मेरे नाल। ठीक कह रही है बहराम ऐ ते मेरी वो मंजिल है जिदे तक पहुंच लई मैं रब को अपने जिंदा रहन दी मोहलत मंगी सी। मैनू भी दस वे तू कहना की जाने पैना मैं दौलत दे लालच च रावल खान दे जुर्म दी कमाने च निकलिया तीर जरूर सा। मैं एक दिन तेरे मासूम पुत्र नू मौत दी दलदल च सुटन जा रहा सा। चाचा अम्मी अच्छे मिलेगी नहीं ऐथे नहीं अगे मिलेगी। चाचा अम्मी अच्छे से मिलेगी ना ऐसे जरूर मिलेगी। देख ले आशु तू दौलत की खातर एक मासूम बच्चे नु मारन लगा सै खुदा दा कर तेरी मौत बन के नाजिल हो आई। पुत्र रब दा वास्ता ही मैनू इशाक पढ़ा दे मैं तेरी मां तक पहुंचा देगा मां तक पहुंचा देगा। वाह मेरे मालका जिन्हों मैं मारन आया सा ओनू ही रहमत दा फरिश्ता बना के मेरी जान बचा ली हो ते फिर कित्थे है मेरा ओ पुत्र ऐ तेरा पुत्र है।
ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਵੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਟਿਪਟੀ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਭਰਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। तेरा बाप सूरज खान जेड़ा शायद आज भी रावल खान अपना यार समझता है ते उन्हें बचाने लई ओ कानून ते की अग ते खून का दरिया भी टप जाएगा।
आशू ठीक कह रहा पुत्र वे, ममता दा कार तेरा चेहरा वेख के आबाद हो ही गया है, पर जे मेरा सुहाग और कोई तूफान ते कोई कयामत नहीं आएगी मां, मैं बेनू भी वापस लेके आवांगा ते रावल खान नु भी ओदी जिंदगी तो दूर कर देंगा। मेरी मंजिल मेरे पुत्र ते कातल दी मौत है, ओदे बाद अपने यार रावल खानू जेलू रिहा करावांगा। क्यों नहीं सूरज खान, तू जेल दा पुराना पेती है, शायद अस्था तेन इसलिए बचाया सी कि तू अपने यार रावल खान नू जेलों रिहा करा के लिया, में तेरे पुत्र दे कातल बैम दे खून आसमान दा रंग लाल होंदिया तेनू असी आप दिखावांगे। नहीं, उस खूनी दा खून मैं अपने हथी करागा, ते फिर उनू साबत ते सलम चुक के ले आवांगे, फिर वेखी इस बुढ़े चूसे दा जोर। तेनू किसे मदद दी जरूरत? सिर्फ एक गड्डी दी जरूरत है, मिल जाएगी। मिले, समझ गया बॉस। वाह शिवा वाह, तेन वाकई साडा ही पुत्र होना चाहिदा सी। एस गल दी समय लगी डैड के साडी ताकत ते बुरज अंकल रावल खान ते हथ च हथ कड़ियां किने पाई ने। मेरी गलती ने, जब असी कानून दे एक निके जे मुहाफज दी ती नू रावल खान दी ती बना दिता। चल छड़ गैर जरूरी गल्लां नू, रावल खान दे आन तो पहला पहला असी स्मगलिंग दा नवा ते आखरी फेरा लाईए, ते फिर इस मुल्क नू हमेश हमेश लई छड़ देंगे। डैड, हुण सानू अपने जुर्मा दा जाल किसे नवे मुल्क च बिछाना चाहिदा है, ते फिर तैयारी करो। चांदनी, रोशन किथे गया है? मेरा ख्याल है बॉस, ओ साडे इस फेरे दी जाली इतला देन कानून दे दरवाजे ते चला गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। एम्बुलेंस ना रोकिए मालदार, किसे मरीज की जिंदगी का सवाल ना हो। सर, एहो जिहा मरीजां दे खीसे च वी अजकल पिस्तौलां होंदियां ने। शट अप, लगदा है टिप्पणी नूं साडे फेरे दी मुखबरी हो गई है। माल फड़िया जाए कोई गल नहीं, जान बचानी जरूरी हो गई है, जल्दी खराब कर दे एम्बुलेंस। वालेकुम सलाम। माय डियर डिप्टी, हमारा जख्मी मरीज बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गया है और हमारी गाड़ी का पेट्रोल बिल्कुल फिनिश हो गया है, अगर ये मर गया तो हमारा मेहनत गरक, हम भी इसके साथ मर जाएगा। तुसी फिक्र ना करो डॉक्टर साहब, तुम्हारी मदद करना मेरा अखलाकी फर्ज है। संतरी। यस सर। इस जख्मी मरीज को गड्डी चरक के अस्पताल पहुंचाओ। ओके सर। थैंक यू डिप्टी, आपकी मदद से हमारा मरीज आसानी से मंजिल तक पहुंच जाएगा। इट्स ऑल राइट। आहिस्ता उठाओ भाई, आहिस्ता। हाय, मैं भी बुढ़ा हो गया। आए अल्लाह, आए खुदा।
ऐसा भाई ऐसा मरीज डॉक्टर का औलाद जैसे होता है। थैंक यू डिप्टी, कोई बात नहीं, आपने हमारा मुश्किल आसान कर दिया, थैंक यू वेरी मच। चलो उठाओ उठाओ भाई। आए चलो दरवाजा बंद कर लो। हवालदार एम्बुलेंस लॉक कर दे। दूरबीन तेली फिट कराई। हाँ जीवा, हाँ वाह रोशन वाह, वह लगता है कानून दा लून तेरे पिंडे चो आज भी नहीं खुरिया। लून खुर भी किस तरह सकता सी जीवा, जरा खून बन के तेरी खांदे सामने खलोता होया है। मैनू लगता है कोई साजिश हो चुकी है। कोई गल नहीं, हूं इनू ओरिजिनली अन्ना कर दियांगा। ओए रोशना, रोशन नहीं, आज ताडा यहां में हिसाब आ गया है। नहीं डैडी नहीं, एने मेरे कलो मेरी बहन ते मेरा बाप खोया सी, एदी मौत है सिर्फ मेरा हक, ना ना बोल ना चलाना, ये दोए कानून दे मुजरम ने। नहीं थाडियां गोलियां ते कानून दियां मोरां लगियां होईयां ने। ओए पुलिस वाले नु मार दित्ता ही, हुण तेनु फांसी मिलेगी। ना 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 गोली ना चलाना। ओ रोशन माफ करना यार, तू सारी जिंदगी सानू हनेरे च रखी है, और तेनू कबर दे हनेरे मुबारक होण। रोशन रोशन मुजरिम के जगह नहीं। चलते लेकर चलो, साढ़े पीछे पुसा लगी है। नहीं
ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। वाह अंकल यार वाह, मन गया तेरे सूरज यार दी जारी नू। वड़े भाई जान तुसी एवें ही सप नू पटारी च बंद रखे आ। उड़ना सब दे जीवा जिदी गवाई दे डंग ने मेरे जवान प्राणू भाई लो दिता सी ते फिर अभी कट खिदमत मैं भी नहीं कीती। तेरे हाथों कुर्बानी दा एक बकरा जबा करा के एनू जेल दी हनेरी सुरंग वल टोर देता, एदे बच्चे नू जिंदा दफन करा के एदी दौलत ते जायदाद दा कल्ला मालिक बन गया। बस करो वड़े भाई जान बस, कोई लगता है एनू सकता हो गया है। किधरे खलोता खलोता मरते नहीं गया, जरा एदी नबज ते वेखिए। ताड़ी मौत बहराम दे रूप च हाली जिउंदी है। चंगा कीता रावल खान, अपनी जबानी अपने सारे जुर्मा की कहानी सुना दीती हूं। इसलिए मैं तेन कानून दिया हत्था टपांदा ते तेरे इन रिश्तेदारा नू पुलिस कौन संघ इत्थे तक लैके आया वा। ओए मेरे बेगुनाह पुत्र दे खून च हथ रंगन तो बाद अज मरन भी लगे ते मेरे यार नू। ए तेरा यार नहीं, तेरी जिंदगी का दुश्मनी, ते मैं तेरे पुत्र का कातल नहीं, तेरा पुत्र। ओए एक बारी पहला भी पियू कह के तू मेरे नाल जुल्म कीता सा, पर राजाशु ने मनु कह दिता ही दुश्मन मारन लगया कंड नाल कंड जरूर जोड़ी। इन्हां नू इस तरह नहीं मारना। मैं एक तो लेके तीन तक गिनांगा, तुसी दोवे एक दूए ते गोली चलाओगे। अज या साले देथो पणवैया मरेगा या पणवैये देथो साला। चला एक गोली, नहीं ते तेरे पुत्र दी खोपड़ी तमीज बना के तेरे गल पा देंगा। नहीं जुलम ने करी, माफ करना वड़े भाई जान, मैं अपने पुत्र की जिंदगी बचाने लई तेरी मौत बनन लगा वा। मौत तू सामने वेख के तू मेरे नाल हर रिश्ता तोड़ दिता है, ते फिर मेरी गोलियां दा भी तेरे नाल कोई रिश्ता नहीं। की कमाए तुहाडे जुलम सिखाने वाले उस्ताद नू जिन्हें तुहानू यह भी नहीं दस्या क्या खाली बंदूक का वजन की होता है। रब दी सौ, मेरी पहल ते एवें भुलेखे नाल विआह कर बैठी सी, मेरा परवैया ते तेनू होना चाहिदा सी। तेने कुट के जफा पाए ताकि मरो ते को कबर दफन होवो। हां बहराम, तेरा ये भरा ठीक कह रहा है। हां सरताज, कानून दा ए महाफिज ताडा दूजा पुत्र है। ना तुसी जिंदा रहोगे ते ना तुहानू कफन पाउण वाले। ए सिलाके दे कुत्ते भी ताडियां लाशां वेख के मुंह फेर लैणगे। Thank you.
तेरे जुर्मा का कुफारा अदा कर दिता पैना। तेनू तेरा पुत्र ते सुहाग मुबारक होवे। मुबारक। शमदीद गवावा दो भी एक दूजे नु मार रहे से। कहने रहे डिप्टी ना कोई वकील ना कोई दलील ते ना ही कोई अपील कानून अपना अपना।